अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन यापन कैसे होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, माँ के पेट के जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिकाएं, 1 मुंह, 1 गुदा, 1 लिंग और 1 तालु। खुराक देके माँ के पेट के आग में वह हमारी रक्षा करता है। देख हे मन, वह हमारा मालिक ऐसा दयालु है। इस वाणी का भाव यह है कि माँ के पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा ले, ना कछुए के थन हैं कि बच्चों को दूध पिलाए। पर हे जीवात्मा, मन में विचार के देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालना करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। धन्ना कहता है, हे जीवात्मा तू भी ना डर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने पैदा किए हुए जीवों की पालना कर रहा है। तो हम काहे को डरें, सब करता ठीक करेंगे। सतनाम श्री वाहे गुरु। इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है, आइए वह देखते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसादा चखाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसादा चखाता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसादा चख रहे एक व्यक्ति ने उससे कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी? भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर के खाना मिलेगा। मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहे उतना खाओ, राज करो मेरे राज में राज। यूं ही चलता रहा, भाई जी में घमंड भरता रहा। खाओ खाओ भाई जी के राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रह सकता, खाओ। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरुजी आए और बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी, ठंड के मारे भाई जी की जान निकले जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उससे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जी गुरुजी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरुजी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो यहाँ पर क्या है। भाई जी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चींटियां खाना खा रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई जी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि गुरुजी उसे यह समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है और वह है परमपिता परमेश्वर। किसी गांव में एक वैद्य रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयां लेने आते थे। वैद्य जी बहुत पेट में दर्द हो रहा है,
अरे ये पुड़िया ले लो, ठीक हो जाओगे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुंचे। विश्राम करने के लिए गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वबीते, रोना कब है वबीते, सुख की घड़ियां आएंगी वो कौन घड़ी है वबीते, तू कब जन्मेगा वह बीते, तू कहाँ पलेगा वह बीते, जिस घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह बीते, दाना दाना किसने खाना, किसके मुंह में है वो जाना, दुनिया का ये ताना बाना लिख दिया है वह बीते। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना गुरुजी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी, इंसान कब हंसेगा, कब रोएगा, क्या यह पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएंगे, कब दुख आएंगे, क्या यह भी पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, यह भी पहले से ही तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे गुरुजी, क्या यह भी पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, यह सब कुछ पहले से तय है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात सही है? क्या इस खेत में जितने मक्का लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? बिल्कुल सही कहा मर्दाना, हर मक्का पर ही नहीं, उसके एक एक दाने पर ही लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्होंने एक दाना तोड़ा और गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी, अब बताएं इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? मर्दाने, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। गुरुजी, कैसी बातें करते हो, दाना मेरी हथेली पर है, शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं यह दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया। परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। वो बोले, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला बोले, गुरुजी गुरुजी मर्दाना को लेके जल्दी से किसी वैद्य के यहाँ चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उससे पूछा, अरे भाई यहाँ पर कोई वैद्य है क्या, हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। हाँ हाँ उस तौर चले जाओ, वहाँ पर एक बहुत मशहूर वैद है। क्या हुआ? वैद जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। अरे क्या खाया था तुमने? मैंने तो एक मक्का का दाना ही खाया था वैद जी। अरे लगता है वह मक्का का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया। कोई बात नहीं, नस्वार मैं दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नस्वार जैसे ही भाई मर्दाना को सुंघाई, भाई मर्दाना जोर जोर से छींकने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोले,
गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी बात पे शक किया। वाकई में ही दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।